सो हाय ट्रैवल लवर्स, हाय गाइस, हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, न्यू सीरीज। तो आज हम आप सबको लेकर जा रहे हैं मनाली, और वहाँ का डिस्टेंस है चंडीगढ़ से अप्रॉक्स 290 किलोमीटर्स, और जो टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स में दैट इज़ अप्रॉक्स 7 आवर्स, बट अभी देखते हैं वो टाइम बढ़ता जाएगा मुझे लगता है जैसे जैसे हमें ट्रैफिक मिलता जाएगा। और हम आज चले, हमने प्लान किया था 7 o'clock का और हम 10 बजे, मतलब हम 9:30 तक हम निकल गए थे, 9:15 तक चले थे, बट अभी 10 बजे और हम पटियाला रोड पर हैं। थैंक्स टू जीरकपुर ट्रैफिक। आगे दिखाते हैं कितने टोल्स आएंगे, कैसा रास्ता है, वो सारा हम आपको अपडेट करेंगे। और आज हमारी जर्नी का गिफ्ट मिल गया भगवान से हमें, सर्दियों की पहली बारिश हो गई है, मजा आ गया। और तो क्या खतरनाक बारिश हो रही है, हम डर गए थे। अब फिर दिखाते हैं बारिश अब थोड़ी सी कम होगी, नहीं तो ऐसा डर लग रहा था कि बारिश ऐसा लग रहा था शीशा ही टूट जाएगा इतनी तेज। सो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड से, चंडीगढ़ से भी आप जा सकते हो बट हम सेक्टर 20 में हैं, तो फिर हम एयरपोर्ट रोड से जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड। तो मनाली के रास्ते के लिए हमने मैप जो हम यूज कर रहे हैं वो है मैपल्स, जिसमें वो सैटेलाइट से वर्क करता है। और ये जैसे हम फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो वो हमें ये नहीं पता कि ऊपर चढ़ना है कि लेफ्ट कट मारना है, तो वो बिल्कुल क्लियर बताता है। बहुत ही अच्छा जो मैप वाला इन्होंने इन्वेंट करा है, एप्लीकेशन है, तो आप उसके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी है, और वैसे भी हम लिंक भी शेयर कर देंगे। अभी ट्रैफिक काफ़ी है, पता नहीं आगे कितना ट्रैफिक होता है, तो अभी तक तो हम एयरपोर्ट रोड पर ही हैं, ट्रैफिक ख़त्म ही नहीं हो रहा, बारिश भी हो रही है, कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो देखते हैं। मौसम तो आज बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी जैसे हमने बोर्ड देखे मनाली के, जैसे हम आपको बोर्ड्स भी दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट से 290 किलोमीटर करीब शो कर रहा है, और जब हमने स्टार्ट भी करा था हमें गूगल मैप्स में 290 किलोमीटर शो कर रहा था, तो एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि कितने किलोमीटर्स हैं और कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स में और इन चीज़ों में सब में फ्लक्चुएशन तो है थोड़ी बहुत। और एक चीज़ और है, जैसे फ्लड्स के बाद अब हम जा रहे हैं तो आपको सड़कें के भी बताएंगे कि मनाली की सड़कें कैसी हैं, अभी लेटेस्ट कंडीशन कैसी है, कितनी रिकवरी हुई है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। फर्स्ट ऑल से अभी ये दिखा रहा है 235 किलोमीटर्स, अभी भी 6 घंटे दिखा रहा है मैप में कुराली टोल टैक्स। अगर आपको आपने फास्टैग इंस्टॉल नहीं करा तो आपको डबल चार्ज देना पड़ेगा, तो फास्टैग तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो जो फर्स्ट टोल है चंडीगढ़ टू मनाली का जो कि कुराली में पड़ता है, दैट इज ₹55 फॉर सिंगल साइड। द सेकेंड टोल इज अबाउट टू कम, और आप देख सकते हो कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ पे। मनाली का रास्ता नो डाउट मैक्लोडगंज से तो बेटर लग रहा है मुझे, सुंदर है रास्ता, बहुत सुंदर लग रहा है। आगे देखते हैं कैसा, तभी शायद लोग सिर्फ रोड ट्रिप के लिए तो नहीं जाते, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। लिखी है प्राइसिंग, सो वन साइड जो इसका टोल है 150 है, बहुत ज्यादा है। चलो लेट्स सी, शायद नया जो बना है रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छी है तो देने में कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है ट्रैफिक नहीं दिख रहा हमें अभी, नहीं इस रूट पे जब से हमने एंटर करा है। हाँ। पहले कितना ट्रैफिक था। हाँ। तो ये हिमाचल एंट्री टैक्स था 50 रुपीज, अभी आगे एक और टैक्स आएगा। फाइनली हमारी फर्स्ट टनल आ चुकी है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो टनल आ गई है। टनल नंबर 1, स्पीड भी मेंशन है 60 की रखनी है। ले ओवरटेक कर रहे हैं इसमें भी, क्या तकलीफ होती है इन लोगों को, कहां से आते हैं ये लोग। और वहां पे उसने ओवरटेक किया जहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि ओवरटेक मत करो। हां भी हो सकता है लगे हो, लगा देने चाहिए, रिस्क भी है ना, दिख नहीं रहा ना, विजिबिलिटी नहीं है, ट्रक से आ रहे हैं इतने सारे, टनल के नाम पे डर लगता है। अब तो 41 मजदूर फंस गए थे, चलो निकल गए वो तो। अब देखो कितना टाइम सेव हुआ है इस टनल की वजह से, नहीं तो हमें अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर या एक घंटा सेव हुआ होगा। मनाली यहाँ से है 182 किलोमीटर और मंडी है 75 किलोमीटर,
तो काफी क्लोज पहुंच गए हैं। और यहाँ पे वन वे है, मतलब काम चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी भी लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। चाहे टाइम बहुत कम हो रहा है लोकेशंस पे जाने के लिए, बट पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि ये सब कुछ होना चाहिए। अगर हम नेचर्स ठीक है, पहाड़ को काट के कुछ और सॉल्यूशन निकालो, चाहे ऊपर से निकालो, कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं लगता कि नेचर को हम तोड़ेंगे तो कुछ होगा। देखो ना, बीच में से पूरे ही फाड़ दिया हमने पहाड़ को, तभी इतनी ज्यादा तबाही मचती है। मैं फेवर में नहीं हूँ, पता नहीं मेरा नहीं मन मानता। अब बोलो। तो सेकंड टनल आ चुकी है, ये है टनल नंबर 2। ये छोटी है, ये तो दिख ही रही है, तो यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं खत्म। पहाड़ बने हुए मेरे को नहीं लगता सही है। अगर ऐसी चीजों के कारण ना, मतलब जैसे डबल लेन कर दी या फोर लेन कर दी, इसकी वजह से ना मेरे को लगता है ठीक है, हम टूरिज्म को थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उस जगह को भी तहस नहस कर रहे हैं, मतलब उसकी ब्यूटी खत्म होती जा रही है। नहीं, ब्यूटी तो सुंदर है, बल्कि और सुंदर लग रहा है। तो हाईवे तो प्रॉपर ही होने चाहिए, इनफैक्ट पहले हाईवे प्रॉपर नहीं थे, अब हाईवे, अब लग रहा है कि हाईवे है। सो आपको हमारी व्लॉगिंग में रूरल वर्सेस मॉडर्न का एक कॉन्ट्रास्ट मिल रहा होगा। मुझे पुरानी चीजें पसंद है, बात को चाहिए हाई टेक, ये वो। दिस डिबेट विल कंटिन्यू। यू गाइस कैन ऑल्सो टेल अस कि आपको क्या पसंद है। आप चाहते हैं कि हाईवेज बनने चाहिए या फिर सिंगल लेन में हम गुजारा कर लेंगे, बस उसको अच्छा मेंटेन कर दो पर तबाही मत मचाओ, तो वो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, तो आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी चाहिए। यहाँ से शिमला का जो डिस्टेंस है वो 87 किलोमीटर है। क्या रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं, मजा इतना आ रहा है ना, रिलैक्स हो गया। हाँ, ट्रैफिक नहीं है, टचवुड। जब से मनाली का रूट स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, तो मजा आ गया रास्ते को देख के। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारी गाड़ी पहुंच गई है टनल नंबर 3 पर, टनल नंबर 3 नेशनल हाईवे। अच्छा, इसके रास्ते में ना ज्यादा शॉप्स नहीं आई, मतलब हाँ, मुझे कुछ लेना था सैंडविच के लिए, बट शॉप ही नहीं आई। कुछ है नहीं, मतलब खाने पीने के लिए नहीं है, तो अपनी गाड़ी में आप कैरी करिए। टनल नंबर 3 भी छोटी थी, अब तक सबसे बड़ी टनल नंबर 1 थी, तभी इन्होंने टोल टैक्स काफी हाई रखा है। टनल्स आती हैं, रूट्स मेंटेन्ड है, ट्रैफिक सेंस है, फॉलो कर रहे हैं, फिलहाल तो है। रोड्स की कंडीशन परफेक्ट, मैं देख रहा हूँ हर जगह कैमरे लगे हैं, और मुझे पता नहीं है कि घर पे चलाना आ जाए फिर स्पीड को, मैं पूरे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। वैसे भी मेंटेन रखनी चाहिए, आई थिंक 50 की है, उन्होंने कम ही रखी हुई है बिकॉज ऑफ द टर्न्स। चलो वैसे सेफ भी है, सेफ भी है, रिलैक्स होके चल रहे हैं। यहाँ पे मनाली का जो हाईवे है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को तो, मतलब आई थिंक सिर्फ आई एम इन लव विद दिस हाईवे। आई थिंक रोड ट्रिप पे मारना हो तो आई वुड लव टू बी हियर। टनल आ गई, नहीं टनल नहीं, हेलुसिनेशंस हमें बुला रहा है, आजो 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 एचपी आजो। टनल नंबर 4 नेक्स्ट टोल आ गया है, 65 रुपीज। तो ये 65 है टोल टैक्स सिंगल साइड। टनल नंबर 5। हम इतने गंदे एक्सीडेंट्स अभी देख रहे हैं, गाड़ियां एकदम खच्चड़ हो रखी हैं। कोशिश करो कि आप उतने ही स्पीड लिमिट में चलाओ। और रास्ता मेरा मैप दिखा रहा है 143 किलोमीटर, और ये दिखा रहा है 4 घंटे, और मेरा मैप दिखा रहा है जो मैपल्स वाला जो आपको मैंने बताया था वो 1 घंटा कम दिखा रहा है। तो यूज मैपल, देखते हैं कि कौन ज्यादा क्लोज है, कौन जीतता है, गूगल या फिर मैपल्स। यहाँ पर अब रेस्टोरेंट्स और कैफे वगैरह आने शुरू हो चुके हैं, होटल्स है। ओके, होटल राजा, होटल राजा बाहों में आ जा। राजा तुम पागल हो, मैं कौन सी मूवी रहा है, मैं पुरानी मूवीज का मुझे पता ही नहीं, देखी नहीं, इतनी भी पुरानी मूवी नहीं है। I don't know. एक और देखो, वो देखो कहाँ ठुकी हुई गाड़ी। ओ भाई, ये देखो यार, शी की गाड़ी चलाते हैं, यूपी की गाड़ी, पता नहीं क्या कर रखा है, ऐसे ऐसे घुसी हुई है, जरूरी नहीं है मतलब तेज के कारण हुआ, अगर आप उल्टा भी आते हैं कई लोग यार। इसमें लिखा भी है डेंजर ओवर स्पीड किल्स, और इसीलिए इन्होंने स्पीड लिमिट्स भी लगाई है, तब भी ये फॉलो नहीं करते, गधे के सीन थोड़ी होते हैं। हमारे ब्लॉग एवरी मंडे एंड थर्सडे आते हैं 8:15 PM, और आते रहेंगे। मनाली सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसके बैक टू बैक एपिसोड जाएंगे बहुत सारे, जिसका फर्स्ट एपिसोड आप देख रहे हैं। एक और एक्सीडेंट हमें दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारे एक्सीडेंट्स ही हैं।
डेस्टिनेशन। ये इतने सालों में सुंदरनगर आज भी नहीं बदला, सुंदरनगर वैसा का वैसा ही है। बाकी मैं सॉरी बॉयज पे करूंगा गाड़ी की पार्किंग, सॉरी बॉयज। मार्केट तो अच्छी लग रही है ना, ये लोग बहुत ही हम्बल होते हैं। देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सुंदरनगर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में, कि इसको भी हाईवे प्रॉपर बना रहे हैं। यहाँ से हमें मनाली के लिए सीधा ही जाना है, बहुत सारी रोड्स का इंटरसेक्शन आता है। सुंदरनगर से मंडी का जो रास्ता है वन वे ही है। तो हम मंडी पहुंच चुके हैं, ये ISBT है मंडी का। अभी तक हमारे मैप के अंदर डिफरेंस आधे घंटे का रह गया है, तो देखते हैं कौन जीतता है। अभी भी 3 घंटे शो हो रहे हैं इनके मैप पे, 3 घंटे मेरे मैप पे 2.27। बीच में थोड़ा सा एरिया था जो वन वे था, अभी फिर से 2 लेन्स 4 लेन्स है, 4 लेन शुरू हो गई है, तो चौड़ी सड़क ही है। मसाला चाय पीना चाहोगे यहाँ पे? एक ब्रेक तो बनता है, मंत्रम ढाबा। हाँ रुक लेते, आप पी के जाना। चलो मंत्रम ढाबा, क्या पियोगी? तो हमने ऑर्डर करी है 2 कोल्ड कॉफी और हम रुके हैं मंडी से आगे और मनाली मंडी के बीच में, ये है मंत्रम ढाबा। इस पोस्टर ने रोक दिया हमें। हाँ, आप पी के जाना, ईट वेल ट्रेवल ऑफन। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इस दोस्ती से दोस्ती बढ़ती है। मोगैम्बो खुश हुआ, अम्मी जान कहती थी खाना बिरयानी के बिना अधूरा होता है। सरकार मैंने आपका नमक खाया है, अब इडली खा। मेरे पास मैगी मांगी है, कोल्ड कॉफ़ी की कॉस्ट आई हमारी 252 रुपीज़, टैक्सेस 12 रुपये टैक्सेस थे और कॉफ़ी की क्वांटिटी कम थी। कॉफ़ी अच्छी थी नो डाउट, थोड़ी क्वांटिटी कम थी प्राइस को लेकर। तो हाँ थोड़ी सी कम थी, अदरवाइज क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। अच्छा एम्बियंस, हाँ एम्बियंस बहुत अच्छा है। अभी बन रहा है ना यार, साइड पे लगाएंगे वो जो स्टील का लगाते है ना, वो लगेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेच खराब है शायद, इसी को ही वो मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम लग जाता है, यही होगा। हमारी नेक्स्ट टनल आ चुकी है, 5 के बाद 11 आ रही है, तो बाकी जब खुलेंगे तो आई गेस और भी ज्यादा टाइम रिड्यूस हो जाएगा, और जब खुलेंगे हमें दोबारा मनाली आना है। हाँ। एक और टनल, टनल के साथ टनल, टनल नंबर 12। 12 तो लिखा नहीं, वही उधर लिखा हुआ था लेफ्ट साइड पे 12। मैपल वर्सेस गूगल मैप की जंग अभी भी जारी है। अभी मेरा इनके इक्विवेलेंट दिखा रहा था टाइम, अब फिर से 15 मिनट मेरा अर्ली दिखा रहा है। तो टनल क्रॉस करने के बाद मेरा भी फॉर्म में आ रहा है मैपल्स। कितना दिखा रहा है? अब मेरा 1 hour 44 minutes दिखा रहा है, इनका दिखा रहा है 2 hours। 1 hour 54 minutes दिखा। चलो देखते हैं कौन जीतता है, एंड में पता चलेगा। जीतता? अच्छा ये वो वाली टनल है, मे बी कनेक्ट होगी इन फ्यूचर। मतलब आधा घंटा सेव है। सो यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दो काम चल रहा है दैट इज ओके, बट पहाड़ वाला एरिया वाओ। अंदर अभी ना इस वाली टनल में काम चल रहा है साइड बाय साइड, ओपन इन्होंने कर दिया, लेकिन ये वैसी फिनिशिंग हो रही है। मतलब साइड पे जो फुटपाथ्स एंड ऑल ये सब कुछ बन रहा है और फिनिशिंग हो रही है, बट हाँ रोड बन चुकी है इसलिए वो ट्रैफिक निकाल रहे हैं। सो ब्यूटीफुल यार, टोल आने वाला एक और प्राइस है 110 सिंगल साइड। ज्यादा ही है यार ये भी, पर ये लग नहीं रहा, ये ऑपरेशनल। ओ ये वाला बच गया, बच गए। मना
मनाली 49, मणिकरण 31 किलोमीटर। सो हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं और मनाली यहाँ से करीब एक घंटा ही दिखा रहा है दोनों एप्लीकेशन में, बाकी देखते हैं कितना एक्चुअल में लगता है। ये वो वाला एरिया है जो बिल्कुल ही खराब हो गया था। अभी इतने तबाही थी कि अभी तक आप देखो इतने मंथ्स के बाद भी अभी कच्ची कच्ची रोड ही बनी है, प्रॉपर रिस्टोर नहीं हुआ, क्योंकि नीचे बजरी भी डालनी पड़ेगी ना। तो ये आप देख रहे हो कितना अभी भी खराब पड़ा है पूरा एरिया। एक्चुअल में ना रोड पूरी ऊपर की ना ढह गई थी, फिर उन्होंने तो टेंपरेरी रास्ता बनाया है, ये टेंपरेरी नीचे से निकलता है। अच्छा, वो रोड ही नहीं गायब होती थी, पूरी खत्म हो गई थी। आइडियल रोड ट्रिप हो गया ये, जो एक फैंटेसी वाला रोड ट्रिप होता है ना, ड्रिजलिंग पहाड़ पानी व्हाट नॉट सब कुछ ही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक और टोल टैक्स बन रहा है, ये कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज का बन। चलो ये भी बच गया, ये दो दो टोल टैक्स और बन रहे हैं वाले, आगे जाके और फटका लगने वाला है। 110 और ये 80 रुपीस का था, 200 रुपए का और फटका पर सिंगल साइड। सिंगल साइड, यस। ऐसे लग रहा है सामने वाले पहाड़ पे वोल्केनो है, धुआं निकल रहा है। इतने में चल पड़ा शो। चलो कोई बात नहीं, ये वाला स्ट्रेच जो आप देख रहे हो ना, ये वो वाला एरिया है जहाँ पर रोड एक एक करके निकालते हैं ट्रैफिक, एक साइड का फिर दूसरी साइड का, जहाँ पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा रश लगता है। पुलिस लगी हुई है अभी भी। ओ तेरी, गंदा है अभी रास्ता, साफ नहीं। उसकी वजह से जाम लगा। थोड़ा थोड़ा करके ये अच्छा आइडिया है कि एक साइड का पहले नहीं निकालते, 5 मिनट एक साइड खोल दिया, फिर 5 मिनट एक साइड खोल दिया, इस तरीके से ट्रैफिक चलता रहता है, ये अच्छी चीज है। ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन बन जाएगी यार रोड, अभी जितना कर रहे हैं वो भी बहुत है। सो जैसे कि बातें चल रही थी कि ग्रीन टैक्स शुरू कर रहा है हिमाचल, तो जो भी गाड़ियां HP की नहीं है तो उनको ग्रीन टैक्स देना है 200, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 400-500, वो जितना मर्जी चार्ज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली टाइम तो हमें पूरा दिन ही लग गया, हम 9:15 के करीब चले हैं, तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे दिखा रहा है कि हम 6:30 बजे पहुंचेंगे। बीच में हमने छोटी मोटी स्टॉपेजेस ली हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और दूसरा अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स तो बैठेंगे इसके डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली, अप्रोक्स 290-300 किलोमीटर्स। चलो मिलते हैं होटल पे। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन द ऑर्किड ग्रीन रिजॉर्ट। स्टे कनेक्टेड टू नो मोर अबाउट मनाली।